हम लोग सेकंड कैच डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो बताइए मुझे डाउट अपने एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन एच, एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट में सेक्शन एच में डाउट बोले अपने। बोलो। जीतक ही तो है ना। सेक्शन जी तक ही है, मतलब सेक्शन एच नहीं है तुम्हारी शीट में? होगा ना, ऐसा न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके हाँ सर सेक्शन एच है होगा जिसका नेम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हाँ तो वो बताओ ना, सेक्शन एच डिस्कस करते हैं हम लोग। पढ़ लिया ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री? तो हाँ सर। सेक्शन एच में एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट में बताओ क्या क्या डाउट है, जल्दी से बोलो अपने डाउट। हाँ कुछ लोगों ने बताए भी है। देखो एच फाइव बोला है एक, तो क्वेश्चन नंबर एच फाइव डाउट है। तो एच फाइव में क्या बोला है? एच फाइव में बोला है फॉर द गिवन सीरीज इन एनएच स्टेप फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। ठीक है, क्या बोला है हमारे को? क्या बोला है? 238 यूरेनियम 92 है, वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो बेरियम प्रोड्यूस हो रहा है, एक क्रिप्टन प्रोड्यूस हो रहा है ना? एक तो बेरियम प्रोड्यूस हो रहा है और एक क्रिप्टन प्रोड्यूस हो रहा है, और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, 30N1। न्यूट्रॉन का मास जीरो गिना चाहेगा। रुको रुको रुको, एक क्वेश्चन में बोला क्या? फॉर द गिवन सीरीज इन एनएच स्टेप, मतलब बहुत सारे बीच में रिएक्शन हुआ, फाइनली मुझे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक हो, तो एक बार रुको, मैं ना पहले बेरियम और क्रिप्टन का मास और एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। किसी को याद है बेरियम और क्रिप्टन का मास और एटॉमिक नंबर? अगर हम लोग बेरियम की बात करें तो बेरियम का 56 नंबर पर होता है मेरा बेरियम, और क्रिप्टन की बात करें तो क्रिप्टन 36 नंबर पर होता है। बेरियम के मास की बात करें तो अप्रोक्स 137 लिख सकता हूँ, क्रिप्टन के मास की बात करें तो अप्रोक्स 84 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये प्लस साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। हाँ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो मास का सम करते हैं तो 238 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 137 प्लस 84 प्लस इलेक्ट्रॉन का मास 1 इंटू उसका नंबर थ्री कितना है? उसका नंबर कितना हमें पता नहीं है ना, मान लो सो थ्री एक्स दिया है ना। नंबर है, 3 दिया है क्या? 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ठीक है 3 मान लेते हैं, 3 दिया है। अगर 3 दिया है तो पूछा क्यों है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स? अगर 3 इसने दे ही दिया है, अच्छी बात है 3 दिया है तो पूछा क्यों है? देखो 3 देते भी है ना तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, इधर 238 है, इसको सम करेंगे तो ये आएगा 137 प्लस 84 प्लस 3 जो कि 224 आता है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है एक स्टेप में 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक स्टेप में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो एनएच स्टेप में कितने निकलेंगे? तो मान लो अगर एक स्टेप में 3 निकलते हैं तो 2 स्टेप में 3 की पावर 2, 3 स्टेप में 3 की पावर 3, 4 स्टेप में 3 की पावर 4, तो nth स्टेप में 3 की पावर n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। 3n आएंगे ना, 3 की पावर n। 3 की पावर n ही तो होगा अगर एक स्टेप में n निकल रहे हैं। अच्छा तो सही बात है, 2 स्टेप में 3 और 3 की पावर 2 नहीं, 3 × 2 होना चाहिए। एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है,
The number of produced neutrons. तो देखो अगर x अगर हम लोग यहां से मानते हैं तो x का वैल्यू कितना आता, अगर मैं x इसको मान लेता तो 3238 माइनस 137 माइनस 84, तो यहां से तो 17 आ रहा है तो वो तो सेटिस्फाई नहीं होता। यार इस क्वेश्चन को है ना मैं तुम्हें कल बताता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन में, या फिर मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा है ना H5 का क्या मेरा सोल्यूशन है। बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन है। H5 के अलावा बताओ और कोई डाउट है? एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट में H5 के अलावा कोई डाउट है? बोलो सर। H3 एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट में ही बात कर रहे हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ऐसा है इसका मतलब कि 14 नाइट्रोजन 7 है, उसके ऊपर साथ में कौन आया, उसके ऊपर साथ में ब्रैकेट में एनपी का मतलब है इधर न्यूट्रॉन आया और उधर प्रोटॉन रिलीज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा ये। एंड सेकंड वाले में बोला है 39K19 पोटेशियम है, ब्रैकेट में न्यूट्रॉन लिखा है मतलब पहले न्यूट्रॉन आया और बाद में अल्फा मतलब 2He4 रिलीज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा 14C6 बैलेंस हो गया, और यहाँ पर आएगा क्या 36 और नीचे आएगा 17, और 17 पर कौन होता है क्लोरीन। ठीक है ओके सर। तो ये मतलब है इसका। इसके बाद बोलो H3 के बाद पार्ट वन में कोई डाउट है? नो सर। पार्ट टू में बोलो एक्सरसाइज वन पार्ट टू, एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन H। सर H1 और H4 नहीं सॉरी सर H1 और H3 ठीक है। देखो जो भी डाउट है यहाँ पर बोलो, चैट बॉक्स में मत लिखो, मुझे वहां पर वो मैसेज दिखने में दिक्कत आ रही है ना। H1 में क्या बोला है 11C6 ऑन डीके प्रोड्यूसेस। अब देखो इसका डीके होगा ना तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है ये, अगर पॉजिट्रॉन होता तो प्लस 1E0 ऐसा होता, तो यहां पर क्या बनता, यहां पर बनता क्या बनता इधर बोलो 5BO11 ऐसा बनता। अच्छा एक चीज और है, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता बीटा पार्टिकल का मतलब -E0। यार पॉजिट्रॉन का मतलब मैंने गलत तो नहीं लिख लिया, सही लिखा है क्या पॉजिट्रॉन, यही होता है क्या? हाँ सर आपने वही लिखवाया था प्लस ई। ठीक है बीटा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता तो ये बनता 7N11 जो कि पॉसिबल नहीं है। 7N11 तो कुछ होता ही नहीं है, नाइट्रोजन तो या तो 14 होता है या 15 होता है, ये 7N11 तो पॉसिबल नहीं है ना। सुना है कभी 7N11? नहीं सर 7N14 7N14 होता है, तो 2He4 प्रोड्यूस करता तो यहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर बनता 4 पर कौन होता है बेरिलियम और इधर आता 7। ठीक है अब ये 3 है हमारे पास, इसके बाद बोला है none of this, तो बताओ क्या प्रोड्यूस होना चाहिए था। बेरिलियम क्या 4BO7 होता है या फिर 4BO9 होता है? अगर उसका कुछ आइसोबार हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कैसे बनेगा।
या फिर बोरोन तो 5 बोरोन 11 में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट करता है तो यही बनेगा, तो पॉजिट्रॉन का डीके होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। आइसो बार नहीं, आइसोटोप होता है, आइसोटोप बेरिलियम का एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H3। देखो H3 में डायरेक्ट है ये, पेनेट्रेशन पावर मैंने लिखवाया तो है, पेनेट्रेशन पावर का ऑर्डर अल्फा बीटा गामा, हाँ सर लिखवाया था। तो बस फिर क्या दिक्कत है? वो क्वेश्चन में पूछा है ना हर एक को 0.5 एम, उससे सर क्या है एम एनर्जी, मतलब मेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। एनर्जी सेम हुआ तो क्या हुआ, पॉजिट्रॉन का ही सबसे पॉजिट्रॉन का क्या, गामा का सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन होता है, देन बीटा, देन उससे कम अल्फा, ठीक है? यस सर। अच्छा देखो होमवर्क और कल की क्लास के लिए पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तो क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया है ना, अच्छा सभी में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हो गया, तो ठीक है अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, होमवर्क बाद में करेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्वांटम नंबर स्टार्ट किए थे, कोई अलग क्लास ही रख दो सर होमवर्क के लिए, ऐसा ऑर्बिटल, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अलग क्लास ही कैसे रख दे, मतलब इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास, डेली 3-3 क्लास होता है मेरा, तुम्हारा भी बैच थोड़ी है बस पढ़ाने के लिए, बहुत सारे बैच है ना। देखो हमने लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था, एस ऑर्बिटल बताया था, पी ऑर्बिटल बताया था, डी ऑर्बिटल बताया था, एफ ऑर्बिटल बताया था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल बताया था, इतना लास्ट क्लास वाला क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग आज बात करते हैं किसके बारे में, आज हम लोग बात करते हैं मेन हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है, बोलो सर। वो पार्ट 1 का H1 एक बार बताओ ना सर, मेरा अभी नेट का बहुत सीन हो रहा है सर, इसलिए अभी नहीं, अब अगले क्लास में पूछना, जब पूछते हैं तब। अच्छा, तो तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ क्या बोल रहे सर, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज, ये सर फॉर्मूला आपने बताया क्या, बट जस्ट पूछ रहा था सर। नहीं मैंने नहीं बताया। हाँ सर ठीक। देखो हम क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्वांटम नंबर हमारे पास 4 तरह के होते हैं, NLMS जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल में कहां पर है, जैसे मान लो तुम्हारे घर का तुम्हें एड्रेस देना हो तो तुम कैसे एड्रेस बताते हो, कि बिल्डिंग का नेम बताते हो, फ्लैट नंबर बताते हो, देन जहां पर रह रहे हो उस जगह का नाम बताते हो, लाइक जैसे तुम लोग मान लो पनवेल में रह रहे हो तो तुम लोग कैसे बताओगे तुम्हारा एड्रेस, सपोज करो तुम सेक्टर नंबर 1 में रह रहे हो तो ऐसे बताओगे ना कि बिल्डिंग का नेम, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, सपोज करो बिल्डिंग का नेम नीलकमल है ना, तो फ्लैट नंबर 101 नीलकमल टावर्स, रोड नंबर 16 सेक्टर 1 न्यू पनवेल ईस्ट, ऐसा बताते हो ना एड्रेस। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एड्रेस बताते हैं, फ्लैट भी बताते हैं, बिल्डिंग भी बताते हैं, रोड नंबर बताते हैं, सेक्टर बताते हैं, जगह का नेम बताते हैं, पिन वगैरह सब बताते हैं। वैसे ही हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एड्रेस बताना हो तो टोटल हम लोग 4 क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं, उनमें से एक क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, दूसरा क्वांटम नंबर उसके सब शेल के बारे में बताता है, तीसरा क्वांटम नंबर उसके ऑर्बिटल के बारे में बताता है, चौथा क्वांटम नंबर उसके स्पिन के बारे में बताता है। तो अलग अलग क्वांटम नंबर्स का अगर हमें चारों क्वांटम नंबर पता है तो हम लोग एग्जैक्ट हमारे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू डिफाइन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर
is required. A set of four quantum number is required. चार क्वांटम नंबर हमारे पास टोटल है, उनके हेल्प से हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को पता लगा देंगे. But sir, अब उन चार क्वांटम नंबर का. हाँ बट सर आपने वो हेजेनबर्ग के वक्त बताया था कि हम कभी मुझे पता है. हाँ तो हम लोग सिर्फ ये पता लगा रहे हैं ना कि तुम्हारा घर कहाँ है. हम लोग ये थोड़ी पता लगा रहे हैं कि तुम किस घर में कहाँ पर बैठे हो. हम लोग सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है. ये नहीं बोल रहे कि ऑर्बिटल में किस जगह पर है, बस इस ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन बैठा है. इतनी सी बात को हम लोग पता लगाएंगे. और उसके मोमेंटम में एरर फिर इन्फिनिटी होगा ना. नहीं नहीं हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब ये है कि हम लोग ये पता लगाएं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है. इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है वो पता नहीं लगा रहे हैं ना. तो किस ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन है बस उतनी सी मैं बात कर रहा हूँ. जैसे हम लोग बस तुम्हारे घर का पता लगा रहे कि ये तुम्हारा घर है, घर में तुम कहाँ बैठे हो उससे हमें मतलब नहीं. तो एक एक करके सारे क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारा शेल होता है ना शेल, वो शेल का मतलब ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे n इक्वल टू 1 शेल है, तो n इक्वल टू 1 मतलब n का मतलब ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट इज गिवन बाय नील्स बोर, बोर ने दिया था ये. सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इट टेल्स अबाउट. अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या सर्वेश ने? हाँ सर पहले ही स्टार्ट कर दिया. इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल के बारे में बताता है कि कौन से शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है. हर क्वांटम नंबर एक अलग अलग चीज बताएगा. तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें ये बताएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में बैठा हुआ है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा ये क्लियर है? बोलो. यस सर. मतलब कौन से शेल में है? कौन से शेल में? n इक्वल टू 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, कौन से शेल में बस वो पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. ठीक है, तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. इट आल्सो टेल अस अबाउट, इसके अलावा ये हमें एनर्जी के बारे में भी बता सकता है, रेडियस के बारे में भी बता सकता है, वेलोसिटी के बारे में भी बता सकता है, एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बता सकता है. तो ये कैसे बता सकता है? जैसे मान लो कोई एटम है, उसके बारे में हमें पता है, मतलब उस एटम का जेड मुझे पता है. अगर मुझे एन भी पता लग गया तो मैं उसका एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है. मैं उसका जेड पता लगा, मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूँ, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ, क्योंकि एटम तो मुझे पता है तो जेड पता है. अगर एन भी पता चल गया तो एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि इनके फॉर्मूले हमने देखे हैं. बोलो. अब n क्या हो सकता है? सर हमें सिर्फ ऑर्बिट का नंबर पता चलेगा ना, तो उससे रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है. हाँ सर. तो देखो n का मतलब क्या होता है, n 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है कुछ भी, है ना. शेल नंबर को बता रहा है एक्चुअल में, वन शेल हो सकता है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. वन को मतलब कौन सा शेल बोलते हैं? के शेल. के शेल. के. ये एल, ये एम, ये एन, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स तो ध्यान रखने वाले हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. पहले तुम याद रख लो उन पॉइंट्स को. क्या? फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट. किसी भी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
वो होता है 2n स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, ध्यान से सुनते जाओ बस बात। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन स्क्वायर। लास्ट, नंबर ऑफ सब शेल इन ऑर्बिट, किसी भी एक ऑर्बिट में कितने सबशेल हो सकते हैं, वो होता है एन। ये तीनों चीजें ध्यान रखें कि किसी भी ऑर्बिट में सबशेल कितने आ सकते हैं, एन के इक्वल। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक सबशेल, सेकंड ऑर्बिट है तो दो सबशेल, थर्ड ऑर्बिट है तो तीन सबशेल। और ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं, एन स्क्वायर। और हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ध्यान से देखो। मैं इधर तो लिखता हूं एन का नंबर, इधर लिखता हूं नंबर ऑफ, फिर एक बार रिपीट करो ना अभी आपने क्या बोला। क्यों सर आवाज थोड़ा क्रैक हो क्या आया था यार? अच्छा नेटवर्क कनेक्शन यूज करो, अब तुम्हारे चक्कर में मैं बस 10 बार रिपीट ही थोड़ी करता रहूंगा, ऐसे तो फिर हमारा सिलेबस 10 साल में पूरा होगा। सर एक ही बार देखो, इधर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, एन स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल नहीं, सबशेल कितने हो सकते हैं एक ऑर्बिट में, एन। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं कि सबशेल कितने हो सकते हैं और उसमें ऑर्बिटल कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होंगे। तो देखो कैसे करना है हमें, अगर मान लो मेरा जो सबशेल है वो फर्स्ट है, सॉरी मेरा ऑर्बिट नंबर 1 है, एक ही ऑर्बिट है मेरा, तो एक ऑर्बिट में सबशेल कितने होंगे बोलो। एक ऑर्बिट में एक सबशेल होगा, ठीक है। अगर ऑर्बिट 2 हुआ तो कितने सबशेल होंगे, 2। ऑर्बिट 3 हुआ तो सबशेल कितने होंगे, 3। ऑर्बिट 3 हुआ तो 3 सबशेल होंगे, ठीक है। और अगर ऑर्बिट 4 हुआ तो सबशेल कितने होंगे, 4। अब ये सबशेल होंगे कौन कौन से उसके बारे में बात करता हूं। अगर ऑर्बिट 1 हुआ तो एक सबशेल होगा कौन सा, 1s, ठीक है। अगर 2 हुआ तो कितने सबशेल होंगे, 2। कौन कौन से, एक 2s और एक 2p। अगर 3 हुआ तो 3 होंगे कौन कौन से, 3s, 3p एंड 3d। 4 हुआ तो 4 होंगे कौन कौन से, 4s, 4p, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। चलिए इतना हमने पढ़ लिया, अब s में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1। तो मैं एक बॉक्स बना दूंगा। ऐसे 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। क्योंकि है तो वो s, तो ऑर्बिटल तो 1 ही होगा। और 2p में, 3। ऐसे ही बात करूं मैं 3s में कितने होंगे, 1, 3p में 3 एंड 3d में 5, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने होंगे, 4s में 4, 4s में 1, 4p में 3, 4d में 5 एंड 4f में 7। कितने होंगे, 7, ठीक है। इतना तो मैंने लिख दिया, 4 का कुछ नहीं मैटर करता। नहीं नहीं नहीं, ऑर्बिटल का नंबर सिर्फ एस पी डी एफ से ही डिसाइड होगा, 4 से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल बोला है इन एन ऑर्बिट, एन स्क्वायर। तो देखो अगर
एन का वैल्यू वन है तो ऑर्बिटल का नंबर कितना होना चाहिए था? वन का स्क्वायर. तो क्या वन के स्क्वायर के इक्वल है नंबर ऑफ ऑर्बिटल? और अगर n का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होने चाहिए थे? 4. 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 के इक्वल है. यस बट सर वो अलग अलग है ना. अरे तो टोटल तो 4 है, अलग अलग है तो क्या हुआ? है तो 2 के ही है, तो दूसरे शेल के ही. हाँ सर. तो 1 एंड 3 मिलाकर कितने हो गए? 4. अगर 3 हुआ तो कितना हुआ? 9. तो 1, 3 and 5 ये तीनों मिलाकर क्या हो गए? 9. ठीक है. और अगर 4 हुआ तो 16 कैसे हो रहे हैं? 1, 3, 5 and 7 इनका सम करेंगे तो 16 आएगा. बोलो. यस सर. ठीक है. तो अब देखो, मैंने नंबर ऑफ सबशेल किसी भी ऑर्बिटल में होते हैं, ऑर्बिटल में नहीं ऑर्बिट में, नंबर ऑफ सबशेल किसी भी ऑर्बिट में एन के इक्वल, ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में एन स्क्वायर के इक्वल. अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के डबल क्यों आ रहे हैं? 2n² के इक्वल क्यों आ रहे हैं सर? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इतना फंडा क्लियर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सर? हाँ. लेगी जो पढ़ा रहा हूं बस उसको समझते जाओ. अपनी तरफ से केमिस्ट्री नहीं मत बनाओ. केमिस्ट्री नहीं बनानी है, केमिस्ट्री तुमने समझनी है. तुम्हारा काम है केमिस्ट्री को समझना, ना कि केमिस्ट्री बनाना. तू ऐसा इमेजिन कैसे कर सकता है कि एक शेल और किसी को और कोई डाउट है? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो. कोई तो कैसा ड्रॉ करके दिखाओ ना. ड्रॉ यार ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? वो एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर है, उसको नहीं मैं ड्रॉ कर सकता. एक सेल है तो जितनी नंबर ऑफ शेल होती है उतने ही सब शेल होंगे. दो शेल है तो दो सब शेल होंगे उसमें. तीन अगर शेल का नंबर 3 है तो उसमें 3 सब शेल होंगे. अब मैं कैसे ड्रॉ करके बताऊं? क्या चाहते हो सर? मतलब ये ऐसा कोई देखो जो जेन्युइन डाउट है ना वो डाउट पूछो, फर्जी के डाउट मत पूछो कि ये भी बता दो वो भी बता दो. ऐसे तो मैं फिर हर चीज में डाउट पूछूंगा कि नहीं एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों आए, 3 क्यों नहीं आ गए. ये भी तो डाउट हो सकता है ना, 4 क्यों नहीं आ गए. अरे मैंने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाई बनाई है यार, मैंने जो हाँ क्या वैसे एक एक में एक ही होता है, ऐसे दो में दो सब. हाँ ऐसा है. हाँ ऐसे okay. डाउट बनाने में तो हर चीज में मैं क्यों क्या कब कैसे कर सकता हूँ. तो जो जेन्युइन डाउट है बस वही पूछो. देखो सेकंड हमारा क्वांटम नंबर है एजीमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था एजीमिथल क्वांटम नंबर. ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन बाय सोमरफील्ड. एक सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था ये. सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ये हमको है ना सबशेल के बारे में बताता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, कि कौन से सबशेल में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जैसे प्रिंसिपल बताता था कौन से शेल में है. जैसे मान लो हमें पता चल गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, तो थर्ड शेल में कितनी सबशेल हुई? 3 सबशेल हुई, 3s 3p and 3d. थर्ड शेल में 3 सबशेल हुई, 3s 3p and 3d. अब उन 3 में से कौन सी सबशेल में मेरा इलेक्ट्रॉन बैठा है ये मुझे कौन बताएगा? एजीमिथल क्वांटम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसको मैं वापस से बता देता हूं. नंबर ऑफ सुपर फील्ड मतलब, अरे भाई कहां से आए हो तुम, क्या करना क्या चाहते हो, क्या कौन हो तुम, नाम बताओ पहले तो तुम्हारा. किसने पूछा ये डाउट अभी? हाँ क्या अभी मैंने क्या बोला, सोमर फील्ड मतलब क्या है, अभी क्या बताया मैंने? साइंटिस्ट का नाम. नेट इशू है इसलिए. यार देखो अब तुम्हारे नेट इशू के चक्कर में हमें ना हमारी क्लास को बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकते, तो तुम्हें खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा अपना नेट इशू. या तो अच्छा बेटर नेटवर्क कनेक्शन यूज करो या जो करना है करो. अब तुम सोमर फील्ड का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने. अब थोड़ी देर में मैं दो लाइन लिखूंगा, तुम फिर वापस अपना डाउट पूछोगे, तो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होता है. तो बेटर नेटवर्क कनेक्शन यूज करने का ट्राई करो. देखो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू एन. अगर एन मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो सबशेल का नंबर किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा. ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था. फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट, वैल्यू फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1. इसका मतलब क्या है ये भी अभी मैं समझाऊंगा. इट कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1. ये 0 से लेकर एन माइनस 1 तक वैल्यू को रखता है. ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा अभी. अलग अलग सबशेल के लिए अलग अलग एल का वैल्यू होता है जो तुम याद रख सकते हो. F, इन चार के लिए बता देता हूं. S के लिए जो L का वैल्यू होता है वो 0 होता है. P के लिए L का वैल्यू 1 होता है. D के लिए L का वैल्यू 2 होता है. F के लिए L का वैल्यू 3 होता है. ये हमें याद रखना है. अलग अलग सबशेल के लिए L के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि जो वैल्यूज L के हैं वो याद रखने. ठीक है सर. अब नेक्स्ट पॉइंट. हाँ बोलो सर. मतलब अगर थर्ड अगर S में 0 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, मतलब L L का, अरे मतलब L का वैल्यू बता है. L L का अभी सुनते जाओ कहानी सुनते जाओ. अभी एक दूसरे से कनेक्ट होगी पूरी कहानी, सुनते जाओ बस. ठीक है, ये साइंटिस्ट ने L के अलग अलग वैल्यूज डिसाइड कर लिए ना, थ्योरेटिकली वैल्यूज डिसाइड की. अब देखो इसका मतलब क्या है. जैसे मान लो मैं एक टेबल बनाऊंगा ना, ये पॉइंट जिस पर स्टार मार्क किया था उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने टेबल बनाया. ठीक है, अब इस टेबल में क्या है, मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं एन का वैल्यू, एक तरफ लिख रहा हूं एल का वैल्यू, और इधर लिख रहा हूं सबशेल. तो देखो एन का भी मान लो मैं मानता हूं 1 है या 2 है या 3 है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया. तो एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ऊपर स्टार मार्क करके मैंने लिखा है. एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 टू एन माइनस 1. तो 1 टू 1 माइनस 1, सॉरी एन का वैल्यू अगर 1 है तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0. और अगर एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1. मतलब 0 एंड 1 ओनली इंटीजर वैल्यू लेने. okay. और 3 है तो 0 टू एन माइनस 1, मतलब 0 1 एंड 2. 0 टू 2 ना, 3 माइनस 1. 0 टू 2 में इंटीजर, हाँ 0 टू 2 और ओनली इंटीजर वैल्यू, तो 0 1 एंड 2 ये तीन ही वैल्यू आएंगे. ठीक है, अब देखो L वैल्यू 0 है तो सबशेल कौन सा होगा, S. तो यहाँ पर 1s लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 1 है. अगर l का वैल्यू 0 है तो एक तो s होगा, और l का वैल्यू 1 है तो एक p होगा. तो कौन सा s होगा, 2s और 2p, क्योंकि n का वैल्यू 2 है. अगर 3 है तो l का वैल्यू 0 है तो 3s, 3p एंड 3d, ऐसा होगा. समझे मेरी बात, बोलो. यस सर. ठीक है, तो L का वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक होता है, और L के वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग सबशेल हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. तो जो चीज मैंने पहले n से एक्सप्लेन करी थी उस चीज को अब मैंने L से एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट, अब
एल की टर्म्स में मैं कुछ बातें बताता हूं तुम। इक्वल था पहले बताओ एन की टर्म्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के इक्वल था। सेम अब एल की टर्म्स में बात करते हैं तो एल की टर्म्स में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। हेलो सर, आपके आवाज नहीं आ रही। या फिर P सबशेल हुआ या फिर मान लो D सबशेल हुआ, तो इन सभी सबशेल के लिए तुम्हें ऑर्बिटल का नंबर पता है। S के लिए ऑर्बिटल कितने होते हैं? One. P के लिए बताओ थ्री है ना। चलो P के लिए 3 है ये हमें पता है और D के लिए 5 है ये भी हमें पता है, बट उसको हम लोग प्रूव करते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे मान लो L का वैल्यू अगर मैं पूछूं, S सबशेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 0। P के लिए 1 एंड D के लिए 2। अब यहां पर लिख रहा हूं इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इस फॉर्मूले से निकालना है 2l प्लस वाले फॉर्मूले से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पता तो है आंसर क्या आने वाला है, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो बताओ अगर l का वैल्यू 0 रखा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आया? 1 रखा तो 3 और 2 रखा तो 5। तो जो चीज हमें ऑलरेडी पता थी कि इसमें एक बॉक्स बनेगा, इसमें 3 बॉक्स बनेंगे और इसमें 5 बॉक्स बनेंगे, उसको मैंने फॉर्मूले की हेल्प से भी प्रूव कर दिया। समझ गए इतनी बात? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एल की टर्म्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। तो अगर नंबर ऑफ सबशेल 2l प्लस 1 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 4l प्लस 2। इसका जस्ट डबल कर दूं मैं 2l प्लस 1 का, जितने सबशेल होंगे उसके डबल मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो, अरे कर सकता हूं या नहीं? कर लो। हाँ सर, ठीक है। अब एक टेबल की हेल्प से मैं और एक्सप्लेन करता हूं, है ना। एक टेबल मैं बनाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। ये पहला कॉलम, पहली रो, 4 बनाएंगे टोटल, है ना। तो 1। हेलो सर। 2। बोलो। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बीच-बीच में कट के आ रही है सर। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। ये मैंने एक टेबल बनाई है, यहां पर ऊपर तो मैं लिख रहा हूं क्या n का नंबर, इधर लिख रहा हूं मैं एल का वैल्यू जो कि एक्चुअल में होता है क्या 0 से लेकर एन माइनस 1। इधर लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? अगर एन की टर्म्स में देखें तो एन स्क्वायर और अगर एल की टर्म्स में देखें तो 2l प्लस 1। इधर लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की टर्म्स में देखें तो 2n स्क्वायर और l की टर्म्स में देखें तो 2l प्लस 1 का डबल। ठीक है, इसको वापस से लिखता हूं, थोड़ा सही नहीं हुआ ये। और 2 इंटू 2l प्लस 1। तो इतनी चीज समझ आ गई जो मैंने ऊपर लिखी है। इधर लिखूंगा फर्स्ट कॉलम में n, सेकंड कॉलम में l, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ ऑर्बिटल और लास्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
टोटल तीन ही एग्जांपल दूंगा मैं इसमें, इसके लिए मैं पहले अपनी टेबल को क्लोज कर लेता हूँ। यहां पर मैंने अपनी टेबल क्लोज कर ली है। इस जगह पर ठीक है, यहां पर वन के लिए बात करेंगे, यहां पर टू के लिए और इधर नीचे थ्री के लिए। चलिए अगर मान लो n इक्वल टू वन है, ये टेबल का दूसरी चीज है तुम्हें ही फिल करना है, n इक्वल टू वन है तो क्या होगा, n इक्वल टू टू है तो क्या होगा, n इक्वल टू थ्री है तो क्या होगा, ये तो फिल करो। l जीरो होगा, फिर l जीरो, फिर ऑर्बिटल वन और वो टू इलेक्ट्रॉन्स टू। ठीक है, दूसरे वाले में तो वन, एल का वैल्यू वन नहीं, एल का, हाँ एल का वैल्यू एक्चुअल में जीरो टू एन माइनस वन है, तो दोनों वैल्यूज बोलने हैं, जितने वैल्यूज है सभी बोलने हैं। तो वन और टू, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, जीरो टू वन। ठीक है ठीक है, जीरो टू वन। और सर आप लिख रहे हो? नहीं नहीं तुम बोलो, लिखूंगा तो मैं बाद में, अभी पहले तुम्हारे तो सुने कि तुम्हें कितना समझ आया। जीरो कॉमा वन और फिर जीरो कॉमा वन, हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जीरो कॉमा वन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जीरो कॉमा वन कैसे बोल सकते हो भाई? फोर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर, यस। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे एट, ठीक है। लास्ट लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाले रॉक जीरो में क्या आएगा, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन कॉमा टू, फिर नाइन और फिर एटीन, एटीन। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, मैं तुम्हें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एन का वैल्यू वन है तो एल का वैल्यू होगा जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब वन एस, एल जीरो है तो वन एस हो गया, क्योंकि एन का वैल्यू वन है और एल जीरो के लिए एस होता है, ठीक है बोलो। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया वन, वन का मतलब सिर्फ एक बॉक्स, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए टू, टू का मतलब जो मेरा एक बॉक्स आएगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका यही होता है। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब टू हुआ तो एल के वैल्यू दो हो सकते हैं, या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, जीरो एंड वन। जीरो के लिए वो होगा टू एस और वन के लिए होगा वो टू पी, क्योंकि एल की वैल्यू वन है तो वो पी होगा और टू तो आगे वो एन की वजह से लगा रहे हैं। इतनी बात समझ आई? यस सर। ठीक है सर, जीरो पॉइंट टू एस और वन क्या हुआ? जीरो को 2s और 1 को 2p क्यों लिखा? क्योंकि l का वैल्यू जीरो होता है तब 2s सबसेल, s सबसेल होता है, l का वैल्यू 1 होता है तो p सबसेल होता है। ऐसे थोड़ी देर पहले बताया तो था, l के वैल्यू के अकॉर्डिंग s p d f सबसेल होते हैं, और आगे 2 लगा रहे हैं वो तो सेल से आया है, वो शेल से लिखते हैं हम लोग। अब देखो s से तो एक ऑर्बिटल आया और P से तीन ऑर्बिटल आया है, तो ओवरऑल टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? फोर, चार। इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? एट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही थ्री में बात करें तो एल का वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है और टू हो सकता है, तो जीरो के लिए थ्री एस, वन के लिए थ्री पी, थ्री डी। तो 3s के लिए एक ऑर्बिटल, 3p के लिए तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल एंड 3d के लिए पांच, फाइव ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए? कितने हुए टोटल? नाइन हो गए ना? हाँ सर, नाइन। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो इनमें, तो इलेक्ट्रॉन अगर टोटल फिल करके अगर तुम काउंट करोगे तो इनको काउंट भी कर लेना, 18 आएंगे।
समझे मेरी बात? यस सर। ये हो रहा है फंडा धीरे धीरे। चलो तो हमने L पढ़ लिया, हमने N पढ़ लिया। N बताता है शेल में कहाँ है इलेक्ट्रॉन, M बताता है उस शेल में कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं थर्ड नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन किसमें है, सपोज करो मैं बोलता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, तो वो थर्ड शेल में ये कौन बताएगा हमको, बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब वो थर्ड में किसमें है, 3s में है, 3p में है या 3d में है? तीन पॉसिबिलिटी है, या तो 3s में हो सकता है, वो 3p में हो सकता है, वो 3d में हो सकता है, तो ये कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। मान लो एजीमिथल क्वांटम नंबर ने बताया वो 3p में है, ठीक है। अब 3p में भी तीन तीन ऑर्बिटल है, कौन कौन सी, 3px, 3py एंड 3pz, हमने पढ़े थे ना, p तीन टाइप के होते हैं, px, py, pz, तो 3p में भी तीन है, या तो 3px में हो सकता है, वो 3py में हो सकता है, वो 3pz में हो सकता है, तो ये कौन बताएगा कि कहां पर है, 3px में है, 3py में है, 3pz में, ये कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का 3D में ओरिएंटेशन कैसा है वो हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर x डायरेक्शन के अकॉर्ड ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का तो 3px में होगा, y डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन है तो 3py में होगा, अगर z डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है तो 3pz में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय लिंडे, एक लिंडे करके साइंटिस्ट था, उसने दिया था, बड़ा थोड़ा अजीब सा नाम है बट यही नाम है साइंटिस्ट का। सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D in which electron is present. Actual में हमें यही बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और तो उसका 3D में ओरिएंटेशन पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वाला, इट कैन हैव value from minus L to plus L including zero, minus L से plus L तक value होती है, bracket में लिख देता हूं, only integer value, तो minus L से plus L तक value होती है including zero। जैसे मान लो suppose करो मैं एक example लेता हूं, मैंने एक बॉक्स बनाया है ना, इस बॉक्स में ऐसा लिखा, ऊपर लिख दिया L, इधर लिख दिया M, अगर L का वैल्यू 1 है, अगर L का वैल्यू 2 है, तो L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू क्या होगा, -1, 0 और +1, टू है तो -2, -1, 0 -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा स्टार मार्क करके एक मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। ये पॉइंट समझ आया क्या लिखा मैंने?
किसी को समझ आया तो एक्सप्लेन करो एक बार मुझे, क्या समझ आया सर? वो माइनस वन जीरो वन तो तीन है ना, तो तीन ऑर्बिटल भी होते हैं, वन पी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी में तीन ऑर्बिटल है, तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, तो माइनस वन जीरो प्लस वन तीन है। यस 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 यस, करेक्ट है, करेक्ट है, सही बोल रहे हो एकदम। जितनी m की वैल्यूज होगी ना उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे मान लो माइनस वन जीरो और वन, m की तीन वैल्यूज है, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, m की फाइव वैल्यूज है, ठीक है। तो l इक्वल टू वन का मतलब p है, तो p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, जितनी वैल्यूज m की उतने ही ऑर्बिटल होंगे। l इक्वल टू टू मतलब d, d में फाइव ऑर्बिटल होते हैं, तो m की जितनी वैल्यूज है उतने ही मेरे ऑर्बिटल होंगे। समझ आया फंडा? हाँ सर। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग देखो इसमें एक पॉइंट और पढ़ते हैं जिसको हमें डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है? एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अभी तक हमने एक तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है सिर्फ, अभी तक हमारे पास एक और चीज होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। बस हमसे डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला ही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। फॉर्मूला होता है हमारा एच अपॉन टू पाई अंडर रूट में एल एल प्लस वन। ये मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मैं भूल गया बताना, है ना? L अपॉन H अपॉन 2 पाई अंडर रूट में L L प्लस 1, L वाले में बताना चाहिए था बट मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बता नहीं पाया। फिर इससे क्या मिलता है? ये देखो हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में ज्यादा नहीं पूछते, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में ना डायरेक्टली पूछेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस ऑर्बिटल तो कितना होगा बताओ, सेम फॉर पी ऑर्बिटल बताओ, एंड फॉर डी ऑर्बिटल बताओ। S ऑर्बिटल के लिए H अपॉन टू पाई जीरो, S ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? जीरो। जीरो आएगा, क्यों जीरो क्यों आएगा सर? क्योंकि L जीरो है। L जीरो आएगा बिकॉज यस बिकॉज L इज जीरो, क्योंकि L का वैल्यू मेरा जीरो है। ऐसे अगर p ऑर्बिटल के लिए निकालू मैं तो p ऑर्बिटल के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ? h अपॉन 2 पाई अंडर रूट में 1 इनटू 1 प्लस 1, तो यहां से आएगा ये कितना h बाय 2 पाई, h बाय रूट 2 पाई, रूट 2 h अपॉन 2 पाई, है ना? इसको और सॉल्व कर सकते हो तुम ऐसे ही, d के लिए निकाले तो h अपॉन 2 पाई अंडर रूट में 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। तो डायरेक्टली हमें पूछते हैं तो हमें वो पता होना चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में ऑर्बिटल में क्या एंगुलर मोमेंटम होगा वो ही हमें पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? ये मुझे डी एल के बाद में बताना चाहिए था बट मेरा स्लिप हो गया। अब वापस से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका वैल्यू होता है माइनस एल से प्लस एल। अब उसमें वापस एक मैं टेबल बना के तुम्हें बताता हूँ, क्या देखो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, सिंपल है ये टेबल, तुम्हें ही फिल करना है। टेबल में वापस अगेन तीन कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में तो है L, फर्स्ट कॉलम में तो है L, सेकंड कॉलम में है वैल्यू ऑफ M,
क्या होगी? थर्ड कॉलम में है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, ठीक है? अब एल का वैल्यू देखो, मैं तुम्हें अलग अलग दे देता हूं, तीन चार बना देते हैं ना, एक दो तीन चार, ठीक है। एल का वैल्यू जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, करो। एल का वैल्यू जीरो वन टू थ्री है, तो वैल्यूज एम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, कर दो। सिंपल है, काफी सिंपल है। सर वो नंबर वैल्यू ऑफ एम क्या है? वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या वैल्यू हो सकती है एम की? माइनस एल से प्लस एल बताई तो थी अभी थोड़ी देर पहले। एम क्या होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड, फोर्थ, सभी में बताओ। सो जीरो में माइनस वन, जीरो टू वन, चलो हम लोग करते हैं इसमें। देखो वैल्यू ऑफ एम की बात करें तो इसमें जीरो, इसमें माइनस वन जीरो प्लस वन, इसमें माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, इसमें बात करें तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री। जितनी वैल्यूज ऑफ एम होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, वन थ्री फाइव सेवन, क्लियर है इतना? यस सर। चलिए अब हम लोग लास्ट फोर्थ क्वांटम नंबर पर आ जाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, एस बोलते हैं जिसको, है ना? देखो ऑर्बिटल के अंदर कोई भी एक मेरा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे। एक ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, या तो ऊपर स्पिन के साथ हो सकता है या डाउनवर्ड स्पिन के साथ हो सकता है। तो कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला स्पिन वाला होगा या नीचे वाला स्पिन वाला होगा, उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर इसका मतलब क्या है ये हाफ एरो का? हाफ एरो का मतलब स्पिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो तुम फुल एरो से भी कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होता है एक ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होता है। हम थोड़ा स्पेस कम लगे तो हम लोग ऐसे हाफ एरो से बना के बता देते, ठीक है? तो कौन से स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर वाला मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम लोग एस का यूज करते हैं, हमारा इन क्वांटम नंबर, ठीक है? बोलो। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। देखो इसमें क्या है, पहला चीज गिवन बाय गोल्डस्मिथ ना, तो इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होगा, गोल्ड सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा। थर्ड पॉइंट
स्पिन मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, एस की वैल्यू क्या होगी. वैल्यू ऑफ एस इज प्लस माइनस हाफ, मतलब या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी, दो ही वैल्यू पॉसिबल है एस की. ठीक है. अब इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होगी या माइनस वाइज के लिए प्लस हाफ होगी. ठीक है. मतलब मान लो अगर मैंने ऐसा बोला, इफ फॉर सी डब्ल्यू, मतलब क्लॉकवाइज, अगर फॉर क्लॉकवाइज के लिए मैंने बोला प्लस हाफ वैल्यू है, मैंने बोला क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ वैल्यू है, देन एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होगा. माइनस हाफ. माइनस हाफ. और अगर मैंने बोला इफ फॉर ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर मैंने प्लस हाफ मान लिया है, देन मैं क्या बोलूंगा, क्लॉकवाइज माइनस हाफ की फॉर, तो मेरा क्लॉकवाइज माइनस हाफ होगा. ठीक है. तो ये डिपेंड है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा हार्ड रूल नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है, पहले ही मैं बता दूं, बट जनरली हम लोग बोलते हैं एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है. जनरली हम लोग बोलते हैं इसके लिए प्लस हाफ हम मान के चलते हैं और इसके लिए माइनस हाफ मान के चलते हैं. जनरली ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऊपर वाला होगा तो प्लस हाफ, नीचे वाला होगा तो माइनस हाफ, बट कुछ भी हो सकता है. वापस से मैं तुम्हें बता दूं, पर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. जैसा हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, लाइक सेम वैसा ही मेरे पास क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. जैसा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था सेम वैसा टाइम, ये क्या होता है, ये होता है h बाय 2 पाई अंडर रूट में s s प्लस 1. ठीक है. अब इसमें देखो s का वैल्यू तुम अंदर प्लस हाफ लिखोगे या माइनस हाफ लिखोगे, अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, तो s का वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस हाफ. तो s का वैल्यू यहां पर क्या है, प्लस हाफ. अब s का वैल्यू प्लस हाफ करके कैलकुलेट भी कर ही लो, क्योंकि s का तो सिर्फ एक ही वैल्यू फिक्स है, तो अंडर रूट प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1, तो क्या आएगा, ये प्लस हाफ प्लस 1 3/2 इंटू हाफ 3/4 रूट 3 एच अपॉन 4 पाई. क्या यही आता है, क्या बताओ एक बार. यस सर. हां सर. चलिए अच्छा, नोट डाल के मैं ना तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जिसमें बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है और तुम बहुत जगह है ना ये फॉर्मूले पढ़ोगे, तो मैं नोट डाल के तुम्हें लिखवा देता हूँ. उसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं पहले. चार पांच फॉर्मूले हैं जो बड़े खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं वो, तो मैं उन फॉर्मूले को मैं क्या एक जगह ही लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे सभी को. तो नोट डाल के लिखवा रहा हूं मैं. फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमने एक पढ़ा था NH अपॉन 2 पाई, वो फॉर्मूला किसका था बताओ, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, वो फॉर्मूला था NH अपॉन 2 पाई. सेकंड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, थर्ड स्पिन
एंगुलर मोमेंटम का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पड़ा है, एच अपॉन टू पाए रूट में एल एल प्लस वन। ऐसे ये पड़ा है एच अपॉन टू पाए रूट में एस एस प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े, एक एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इन तीन फॉर्मूले के लिए हम लोग बोलते हैं एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर क्या है, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्या है एक्चुअल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एच का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो यार। यस सर, यस सर, यस सर। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग फ्यूचर में कभी ना कभी पढ़ेंगे, जिसको तुम अभी ही पढ़ लो ताकि याद रहे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। एक फॉर्मूला हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू का नाम सुना है कभी? ये होता है म्यू। म्यू का नाम सुना है? हाँ सर। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू का फार्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू, और आगे इसका यूनिट होता है बी एम। बी एम का मतलब होता है, बी एम का मतलब होता है क्या, बोर मैग्नेटॉन। ये एक्चुअल में यूनिट है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का, अंडर रूट एन एन प्लस टू। ऐसा ही एक और फार्मूला होता है फिफ्थ, टोटल स्पिन का। टोटल स्पिन का फार्मूला होता है हमारे पास प्लस प्लस माइनस एन अपॉन टू। अब देखो इन दोनों फार्मूले में एन का मतलब अलग है। जो वन टू थ्री फार्मूले पढ़े उनमें तो एन का मतलब था नंबर ऑफ शेल, इसमें एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूले याद करो, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। टोटल स्पिन होता है प्लस माइनस एन बाई टू, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोलो। यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हमने चारों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सबशेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सबशेल, किसी भी सबशेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? तो देखो किसी भी सबशेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वो होता है एन एल एक्स। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एन और एल और एक्स का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एजिमिथल क्वांटम नंबर। एल एक्चुअल में सबशेल को बताएगा कौन सा सबशेल है, एजिमिथल मतलब सबशेल को बताएगा एस पी डी एफ कौन सा है। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा है 1s2, है ना, तुम्हारे सामने लिखा है 1s2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सबशेल कौन सा है, s s,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सबशेल कितना है कि भाई एस सबशेल था उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो पहला एग्जांपल हुआ कि किसी भी सबशेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1s2 कि भाई 1s सबशेल था उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा ऐसा 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना है कभी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p4। अब तुमसे पूछा है क्या, देन डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल, ये क्वेश्चन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड शेल में? सिक्स। सेकेंड शेल में दो सब शेल है 2s एंड 2p, तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन 2p में फोर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सिक्स। समझ गए? बोलो सर। चलिए सर, p में सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे ना? अरे मैक्सिमम सिक्स होते हैं ना, मिनिमम तो कितने भी भरो तुम्हारी मर्जी है। मैंने ऐसा नहीं बोला सिक्स होते हैं, मैंने बोला मैक्सिमम सिक्स होते हैं। वर्ड पे ध्यान दो मेरे। तो मिनिमम फोर कैसा है? मिनिमम फोर नहीं बोला मैंने, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एटम, एटम के अकॉर्डिंग कितने भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम सिक्स हो सकते हैं। वो एटम डिसाइड करेगा कि कितने हैं। तो मतलब वो दिया होगा क्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ वो हमें, हाँ वो चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है, तब पता चल जाएगा। यूजिंग SPDF नोटेशन, Describe the orbital of the following. कौन सा orbital होगा? Orbital तो नहीं, subshell बोलना ज्यादा better है ना। Describe subshell of the following. Subshell बताना है हमें कि कौन सा subshell होगा। किस किस के लिए बताना है? जैसे n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1 दे रखा है तो कौन सा सबशेल होगा? n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 0 दे रखा है तो कौन सा सबशेल होगा? n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 3 दे रखा है तो कौन सा सबशेल होगा? n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 दे रखा है तो कौन सा सबशेल होगा? बताओ जल्दी से। बोलो बोलो। हो गया सर। चलिए फर्स्ट वाले में बताओ क्या आंसर आएगा। 2s और 2p 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 सेकंड वाले में 4s 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 थर्ड में 5f नहीं होगा 5f फोर्थ वाले में 3D ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? सर वो कैसे लिखा PSFD? L का वैल्यू डिसाइड करेगा ना, P होगा S होगा F होगा ID होगा, L का वैल्यू 1 है तो P हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum number, which of the following set of quantum number is not valid? कौन सा सेट है क्वांटम नंबर का जो वैलिड नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो मैं टेबुलर फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है।
चार कॉलम बना देते, चार नहीं पांच, एक चलिए इधर तो मैं लिखूंगा क्या, इधर तो n का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू क्या है, किस किसके लिए, एक कोई सेट है b c d e f g एंड h, तुम्हें बताना है किसके लिए क्वांटम नंबर के चारों सेट, सेट लिखूंगा क्वांटम नंबर का वो वैलिड नहीं है। A के लिए n का वैल्यू 3 है, l का 2 है, m का 2 है और s का प्लस हाफ। b के लिए 3 2 माइनस 2 एंड 0, 4 c के लिए 4 3 0 एंड प्लस हाफ, d के लिए 2 3 2 प्लस हाफ एंड e के लिए 3 3 2 प्लस हाफ, f के लिए 2 4, यहां पर ऐसा लिख देता हूं मैं 1 3 2 1 4 3 प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। बताओ किसके लिए वैलिड नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे दिख रहे हैं तुम्हें, करो सॉल्व, किसके लिए क्वांटम नंबर के सेट जो गिवन है वो वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बताना है सर। सर हाँ सर, बी डी ई जी और एच, वापस से बोल सर। बी हाँ हाँ बोलता जा सर, बी डी हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोल बोल, ई जी एच ना, हाँ हाँ सही है, करेक्ट है, क्यों है एक बार एक्सप्लेन कर दे सर। सर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एस जीरो है, एस सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। सर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो एल की वैल्यू है वो एन से ज्यादा है, ठीक है। और ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई एल की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम है, जबकि एल एन माइनस वन होता है, सही बात है। और सर जी में ये एम की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल होता है, लेकिन इधर 4 है एम की वैल्यू, ठीक है। और एच में, एच में सर वही एम की वैल्यू एल से ज्यादा है, ठीक है ठीक है। देखो सही बोल रहा है ये, मैं वापस से बता देता हूँ आंसर वही है जो इसने बोले हैं। पहली चीज तो बी क्यों नहीं होगा, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एस का वैल्यू जीरो दे रखा है, तो बी में जो गड़बड़ है वो एस में है, तो जहां गड़बड़ है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, बी में जो गड़बड़ है वो एस में है, एस का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ऐसे एक गड़बड़ डी में है, डी में एल का वैल्यू जीरो से एन माइनस वन तक ही हो सकता है, एन से एक कम ही होता है हमेशा एल का वैल्यू, एन एल का वैल्यू एन के इक्वल भी नहीं हो सकता, बट यहाँ तो एक ज्यादा है तो यहां पर गड़बड़ है। ऐसा ही सेम ई में भी गड़बड़ है, ई में एल और एन का वैल्यू सेम दे दिया 3 और 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, एल का वैल्यू एन से एक कम ही होगा। सेम ऐसा ही यहां पर एम के वैल्यूज में गड़बड़ है, जी एंड एच में जो एम का वैल्यू होता है मैक्सिमम वो प्लस एल तक हो सकता है, मतलब अगर एल का वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम 3 हो सकता है एम का वैल्यू भी, पर यहां पर 4 है। ऐसे ही जी में, सॉरी एच में एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू भी 2 तक ही हो सकता है, बट यहां पर 3 है जो रॉन्ग है। हम लोग बोलेंगे आंसर क्या क्या आएगा, बी डी ई जी एंड एच, समझ गए, बोलो। यस सर, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल इज रूट फाइ एच बाय पाई देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मे बी प्रेजेंट इन दिस सबशेल. करो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं इस सबशेल में ये बताना है. बताओ भाई क्या होगा. हो गया क्या. सर एल फोर आया उसके आगे क्या. सर 18 होगा. देखो आंसर 18 होगा. वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एच अपॉन 2 पाई रूट में एल एल प्लस 1. ठीक है इसको हमें कंपेयर करना है रूट में 5 एच अपॉन पाई से तो एल का वैल्यू आ जाएगा. तो यहां से देखो रूट में एल एल प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है. वो आ रहा है 2 रूट में 5 के. दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एल एल प्लस 1 इज इक्वल टू रूट में 20. तो यहां से सॉल्व करते हैं तो एल का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बताओ. 4 आ गया. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 2 अंडर रूट में 12 प्लस 1 सॉरी अंडर रूट नहीं ब्रैकेट में 12 प्लस 1 So 2 × 2 × 4 plus 1 that is 18. समझे. Yes sir. देखो यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी इस फॉर्मूले में एंगुलर मोमेंटम. फर्स्ट वाली चीज एंगुलर मोमेंटम. तुम चाहो तो और बेटर करने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हो और तुम्हें अच्छा करना है तो इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख लो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्योंकि इससे भी हमें कंफ्यूज करते हैं कभी कभी. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है तो आज के लिए इतना ही. होमवर्क क्या है. होमवर्क ये है जो आज मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है. तुम कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है
तो थोड़ा अच्छे से उसको रिवाइज करे, थ्योरी को लर्न करे, और जो डाउट आए मुझे नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछे, है ना। आज का सिर्फ इतना ही है, थ्योरी को अच्छे से ध्यान से पढ़े और जो डाउट हो ना वो मार्क करके एक जगह लिख लेना और नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू ऑल, बाय।